बस भाई साल जब गुजर जाता है तो ये सेलिब्रेट करने का क्या माना, रोने का मकाम है कि हमारी जिंदगी का एक साल और खत्म हो गया और हम जन्नत के लिए कुछ कर न सके। एक तालिबे इल्म है और उसे पता है कि मेरे एग्जामिनेशन आ रहे हैं और उसका अगर एक महीना बगैर स्टडी के चला जाए तो वो पार्टी करता है या रोता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये जो सेलिब्रेशन सारे हैं वो सारी दुनियावी चीजें हैं, बस मजे करो मजे करो। कोई भी बहाना चाहिए फंक्शन के लिए, कोई भी बहाना चाहिए फंक्शन के लिए। एक जगह पर बहुत जोर शोर से जलसा हुआ और खाना पीना सब, तो मैंने कहा भाई ये जलसा किस चीज का हुआ? तो कहने लगे कि मस्जिद की तामीर हुई है तो उसका। मैंने कहा वो तो गुज़िश्ता साल हो चुका था। तो कहा कि एक साल पूरा होने के ऊपर एनिवर्सरी है। चलो भाई, एनिवर्सरी मस्जिदों की इफ्तिता में भी आ गई। ये वलीमा होता है, अकीका होता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा होना चाहिए, ये खुशी की बात है। वलीमा और अकीका होता है, बच्चा हाफिज हुआ तो दावत होती है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात है। दुनियावी कामों के लिए कितनी बड़ी बड़ी दावतें करते हैं, तो अगर कोई हाफिज हुआ है तो जरूर करना चाहिए। बच्चा आलिम हुआ, बेटी आलिमा हुई तो दावतें करते हैं, होना चाहिए। लेकिन मेरी सिर्फ एक दरखास्त है कि जरा आंखें बंद करके अपने दिल को टटो ले कि क्या हकीकत में बेटे के हिफ्ज़े कुरान की वजह से इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि खिलाने को दिल चाह रहा है या ये कि दिल फंक्शन को चाह रहा था। ये दावत फिक्र है, हकीकत में दिल लबरेज था भाई, अल्लाह के घर का इफ्तिता हो रहा है और लोग खिला रहे हैं। अल्लाह के घर की निस्बत से अगर कोई खिलाए तो कौन मना करेगा? है कुरान की निस्बत से अगर कोई खिलाए तो कौन इनकार करेगा? इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने जब गालिबन सूरह बकरा खत्म की तो उन्होंने उस्ताद को बहुत बड़ी रकम दी, 100 दीनार दिए, गालिबन 100 दीनार या 10 दीनार, बहुत बड़ी रकम दी, गोल्ड कॉइन। तो उस्ताद मोहतरम ने इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत, काम इतना छोटा सा मैंने किया कि बच्चे को सूरह बकरा याद करा दी और इतनी दौलत आपने मुझे दी। हजरत कुछ नहीं बोले और अपने खादिम से कहा कि हमारे बच्चे का उस्ताद तब्दील करा दो, इसलिए कि जिसकी नजर में 100 दीनार सूरह बकरा से अफजल, इस उस्ताद के पास बच्चे को पढ़ा के क्या करूंगा जो ये कह रहा है कि बहुत छोटी सी चीज के बदले में आपने मुझे 100 दीनार दे दिए, ऐसे उस्ताद की सोहबत में हमारे बच्चे को क्या हासिल होगा? तो ये अगर अजमत है दिल में कि सूरह बकरा मेरे बच्चे को पढ़ा दी तो उस्ताद को 100 दीनार देना चाहता हूं, ये तो ठीक है। लेकिन असल में होता यह है कि औरतों को भी मर्दों को भी एक मौका चाहिए फंक्शन का, अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरा करने का। तो अकीके के नाम से फंक्शन हो रहा है, वलीमे के नाम से फंक्शन हो रहा है, हिफ्ज़े कुरान के नाम से फंक्शन हो रहा है, इल्मियत की फरागत के नाम से फंक्शन हो रहा है। अगर कुरान की अजमत की वजह से फंक्शन होता, अगर कुरान की अजमत की वजह से होता, इल्मे नबुव्वत की अजमत की वजह से फंक्शन होता, तो उस फंक्शन में अल्लाह की नाफरमानी ना होती। अल्लाह की नाफरमानी ये बतला रही है कि कुरान की अजमत की वजह से नहीं, इल्म की अजमत की वजह से नहीं, नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। तो नाम कुरान का है, नाम इल्म नबुव्वत का है, नाम अकीके का है, नाम वलीमे का है, और उसमें हम हमारी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं जैसे कह रहा हूं कि ये दिन हमारे गुजर रहे हैं और बस तैयारी करो मौत की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद, फुलाई इंतकाल कर गया, फुलाई, हजरत उमर फरमाते हैं कि हम सुनते रहते हैं कि फुलाई इंतकाल कर गया, फुलाई इंतकाल कर गया, फुलाई इंतकाल कर गया। एक दिन आने वाला है कि लोग कहेंगे कि उमर का इंतकाल हो गया, तो एक दिन आने वाला है कि लोग कहेंगे कि सलीम धोराद का इंतकाल हो गया, दाऊद का इंतकाल हो गया, मौलाना अहमद पटेल का इंतकाल हो गया, मौलाना जहीद पटेल का इंतकाल हो गया, मौलाना अयाज का इंतकाल हो गया, मौलाना तलहा का इंतकाल हो गया, मुफ्ती इब्राहिम का इंतकाल हो गया। अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमावे और सबके उलूम में, खुलूस में, फ्यूज में बरकत अता फरमावे और उम्मत को इन सब हजरात से खूब मुस्तफीद फरमावे।
लेकिन एक दिन जाना तो है भाई, एक दिन मरना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.